आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी आपके पास है उस पर गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और माई आधार सर्च करना है। पहले नंबर पर आ गया है माई आधार UIDAI.gov.in पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका ये पोर्टल खुल गया है, इस पर आपको नीचे जाना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड आधार। अगर आपको पता है कि आपके आधार से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक्ड है क्योंकि उस पर आपका OTP आएगा, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप नीचे यहाँ पर चेक आधार वैलिडिटी पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार से मोबाइल नंबर कौन सा लिंक्ड है। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा जैसा लिखा होगा कैपिटल में होगा जो लेटर, वो कैपिटल में, जो स्मॉल में होगा वो स्मॉल में। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपनी डिटेल शो हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका जो आधार नंबर है वो एग्जिस्ट है, वैलिड है, और आपको नीचे अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट आपको शो हो जाएंगे। तो यही वो मोबाइल नंबर है जिस पर आपका OTP आने वाला है। अगर आपका मोबाइल नंबर ये एक्टिव है तो OTP आ जाएगा, अगर इनएक्टिव है तो पहले एक्टिव करना पड़ेगा फिर ही OTP आएगा। इसके बाद नीचे आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर। ये भी आपके आधार पर दी होती है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो बेस्ट है कि आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डालें। उसके बाद कैप्चा फिल करें जैसा कि यहाँ पर सेम एज इट इज है और यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक कर दें। यहाँ से सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों एक आपको और ऑप्शन दिख रहा है, डू यू वांट ए मास्क आधार। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये मास्क आधार क्या होता है, क्या इसका यूज होता है। अभी इस पर अनक्लिक कर देते हैं और जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है उसको OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपकी जो PDF है आधार की वो डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ बताया गया है कि उसका जो पासवर्ड है वो 8 करेक्टर का होने वाला है। अब 8 करेक्टर कैसे है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, नाम है अनीश वाई कुमार और डेट ऑफ बर्थ है 1989। तो आपको पासवर्ड कैसे फिल करना है जब आप PDF खोलेंगे, क्योंकि PDF हम लोग डाउनलोड कर देते हैं लेकिन आपका जो है वो खुलता नहीं है, पासवर्ड मांगता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उस पर पासवर्ड डलेगा, जैसे आपका नाम है स्टार्टिंग का ANIS, जैसा यहाँ दिखाया गया है ये वाला ANIS स्टार्टिंग का नेम और बिना स्पेस दिए, कोई स्पेस नहीं है बीच में, और डेट ऑफ बर्थ 1989। तो ये आपका पासवर्ड रहेगा, ये पासवर्ड आपका यहाँ से, ये स्टार्टिंग में नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी ये वाली बिना स्पेस दिए, यहाँ पर देखिए ये आपका पासवर्ड हो गया। तो आपका PDF है इजीली खुल जाएगा, जैसा कि हमारा PDF यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे PDF ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ वो पासवर्ड आपको डालना है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको वहाँ शो किया था, जैसे नाम है रमेश RAME, ये देखिए कैपिटल में हो गया और स्पेस नहीं देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ईयर अपना 1989। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ गई और आपके पास नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ से ईजी हो जाता है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।